की कम उम्र में 42% युवा हैं देश में बेरोजगार, अजीत प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। पहले RBI की रिपोर्ट आई कि 50 सालों में लोगों की बचत निचले स्तर पर जा पहुंची है और लोगों का कर्ज पर बोझ बढ़ रहा है। अब देश में बेरोजगारी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो परेशान करने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 25 साल की कम उम्र में 42.3% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 2019-20 में देश में बेरोजगारी दर 8.8% थी, जो 2020-21 में घटकर 7.5% और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.6% पर आ गई है। लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अजीज प्रेरणा जी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के हवाले में जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 22.8% बेरोजगार 25 से 29 वर्ष युवाओं के बीच का है। उच्च माध्यमिक स्तर और शिक्षा प्राप्त करने वाले 25 वर्ष के कम आयु के युवाओं ने बेरोजगारी दर 21.4% है, जो सबसे ज्यादा है। 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्नातकों में बेरोजगारी दर 5% कम है, जबकि 40 साल या उससे अधिक उम्र वाले ग्रेजुएट लोगों को बेरोजगारी दर महज 1.6% है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल में कम आयु के अनपढ़ युवाओं की बेरोजगारी दर 13.5% पाई गई है, जबकि 40 साल या उससे अधिक ज्यादा के उम्र के अनपढ़ वर्ग बेरोजगारी दर 2.4% है। अजीज प्रेरणा जी यूनिवर्सिटी का ये रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। NSO के रोजगार बेरोजगारी सर्वे लेकर वर्क फोर्सेस सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, जनसंख्या जनगणना जैसे आधारिक आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। ग्रामीण कर्नाटक और राजस्थान में इंडिया वर्किंग सर्वे के नाम पे एक विशेष सर्वेक्षण भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बेरोजगारी दर भले ही कमी आई हो, लेकिन इनका लेवल स्थिर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की इनकम कोरोना महामारी के दस्तक देने वाले से घटने लगी थी। 2004 के बाद महिला रोजगार दर में ये गिरावट आ रही थी, या तो वो स्तर बनी हुई थी। 2019 के बाद से महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी आई। महामारी की बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वरोजगार को अपनाया। कोरोना महामारी के पहले 50% महिलाएं स्वरोजगार में थी और महामारी के बाद आंकड़ा बढ़कर 60% हो गया। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।